कैसे हो भाई लोग? ऐश आ रही है, अभी भी ढूंढी जा रही है। दो तीन वीडियो पहले मैंने तुम्हें बताया था कुछ इंग्लिश इम्प्रूवमेंट स्किल्स के बारे में, और उसमें मैंने एक अपना पत्ता खोला था कि मैं भागलपुर बिहार के एक हिंदी मीडियम स्कूल के बैकग्राउंड से पढ़ा हुआ लड़का हूँ, और कैसे मैंने ओवर द ईयर्स अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करके, जो मैंने उस वीडियो में तुम्हारे साथ शेयर की थी। अगर नहीं देखा तो आई आइकन पर डाल दूंगा, वहाँ पर चेक कर लेना। इस वीडियो में मैं तुम्हें अपना बताने वाला हूँ एक और ट्रेट। सीक्रेट ही तो नहीं है बट थोड़ा एम्बेरसिंग है, बट चूंकि एक फैमिली बन गया है आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू। हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा था, यस, बट मैं था एक बहुत ही गधा स्टूडेंट। गधा बोले तो वो स्टूडेंट जो एग्जाम के एक रात पहले पढ़ के पासिंग मार्क्स लेके पास हो जाते हैं ना, वो वाला। ऑब्वियसली बात है, कोई टीचर मुझे पसंद नहीं करता था या करती थी, और जब भी कोई टीचर क्लास में कोई क्वेश्चन पूछते थे, भाई का हाथ सबसे नीचे होता था, क्योंकि आंसर किसी चीज़ का कभी पता नहीं होता था। बट वन डे आई डिसाइडेड टू चेंज द प्लेइंग फील्ड एंड आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि ओके, आई एम गोइंग टू गो होम, आई एम गोइंग टू पिक अ सब्जेक्ट, आई एम गोइंग टू पिक द चैप्टर दैट इज बीइंग टॉट राइट नाउ, और कल मैं स्कूल में जाके टीचर जो भी सवाल पूछेगा या पूछेंगे, मैं अपना हाथ सबसे ऊपर रखूंगा। ये मैंने अपने आपको प्रॉमिस किया। मैं घर गया और जो सारे हिंदुस्तानी बच्चे करते हैं, जाके मैंने उस सब्जेक्ट को उठा के, उस चैप्टर को उठा के रट्टा मारा। सो कॉन्फिडेंटली रट्टा मारने के बाद अगले दिन मैं स्कूल गया, राजा अकबर की तरह स्कूल में एंट्री मारी कि आज तो सारे के सारे मेरे नीचे हैं, क्योंकि मैं पढ़ाई करके आया हूँ पहली बार, और सारे के सारे आंसर टीचर के सामने आए मशीन गन गोली की तरह दाग देने। क्लास में बैठा, टीचर आई, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, और मेरा जो हाथ जो मैंने प्रॉमिस किया था अपने आप को रात को सोने के पहले कि माउंट एवरेस्ट की तरह बिल्कुल ऊपर होगा, वो 10-11-12 साल की उम्र में जो पप्पू की जो सलामी होती है ना, उतने लेवल तक ही उठा, वो ऊपर उतना आया नहीं। तो टीचर ने देखा नहीं ऑब्वियसली, और अपॉर्चुनिटी मिली नहीं कि मैं आंसर दे आएगी। सोने पे सुहागा, लेकिन ये हुआ कि टीचर मेरे बाजू से जब गुजर रही थी, उन्होंने मुझे काउंट मार्क के वो बोला कि तुमसे तो कभी कोई उम्मीद रखनी नहीं, क्योंकि तुम तो कभी पढ़ाई करके आओगे नहीं। टू विच आई रेस्पॉन्डेड मे बी अ लिटिल एरोगेंटली, मैम आई हैड प्रिपेयर टूडे एंड आई रेज माई हैंड ऑल्सो, बट आपने तो देखा ही नहीं। यू नो वॉट हैपन नेक्स्ट? वन टाइट स्लैप ऑन द लेफ्ट चीक, और उसके बाद ऑर्डर आया स्टैंड अप ऑन द मैच। चांटा खाना और बेंच के ऊपर खड़ा होना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि वो एक रिचुअल बन चुका था बेसिकली, क्योंकि मुझे आंसर्स का भी पता होते नहीं थे, पढ़ाई वढ़ाई कभी करता नहीं था, तो हर टीचर का काम ही यही था चांटा मारना और डेस्क पर खड़ा करना। बट आई वॉज हर्ट दैट डे, फिजिकली नॉट, इमोशनली। वो इसलिए क्योंकि उस दिन मैं तैयारी करके गया था, उस दिन आई वॉज प्रिपेयर टू गिव आंसर्स टू द टीचर बिकॉज आई हैड वर्क हार्ड टूवर्ड्स इट। बट वॉट डिड मी इन अकॉर्डिंग टू मी वॉज द फियर ऑफ टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। बाय द टाइम द टीचर वॉज आस्किंग द क्वेश्चन, दैट फियर स्टार्टेड क्रीपिंग इन, दैट एम आई रियली गोइंग टू टॉक इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, वॉट इफ दे ट्राई टू मेक फन ऑफ मी, वॉट इफ दे लाफ मी, वॉट इफ माई आंसर इज इनकरेक्ट, वॉट इफ आई फंबल, वॉट इफ आई मेक अ मिस्टेक विच टीचर इज गोइंग टू मेक फन ऑफ। तो वो जितने सारे वो स्ट्रेसफुल थाट्स और एक टॉर्चरस थाट्स थे, वो मेरे दिमाग में आने लगे, एंड दैट वॉज द रिजल्ट वेयर इन मेरा हाथ उतना ऊपर नहीं उठा उस चीज़ का जवाब देने में। एंड दैट इज वॉट आई एम हेयर टू डिस्कस विद यू टूडे, हाउ टू ओवरकम दैट फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई थिंक बहुत मजा आएगा, और कुछ ऐसी बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे विच आई थिंक आर गोइंग टू हेल्प यू इन द फ्यूचर टू बिकम बेटर एट पब्लिक स्पीकिंग एंड पब्लिक कम्युनिकेशन। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड द बेल आइकन। This is me, Sarudra. You're watching Style Drug. Now, before we try to overcome the fears that we are facing, हमें सबसे पहले ये पता करना है कि उसके causes क्या हैं, किन चीज़ों की वजह से वो fear हमारे दिमाग में आ रहा है। मेरी understanding के हिसाब से जो basic problematic areas है वो है lack of confidence, the fear of humiliation, the fear of failure, the fear of fumbling, the fear of making mistake, the fear of thinking, what if I do not connect with the audience, what if the audience fails to connect with me, if I don't get the same response that I'm expecting them to give, will I get distracted and deviate from the topic that I'm supposed to speak about. ये सब कुछ होगा। Now if you think ये सब कुछ नहीं होगा या सिर्फ एक बार ही होगा या दो बार ही होगा, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें आपके साथ एक बार होगी, दो बार होगी, तीन बार होगी, चार बार, पाँच बार, 10 बार ही होंगी। What you need to make sure if you want to overcome this problem is first of all to acknowledge them. Acknowledge that this exists. अगर आपको ये जंग लड़नी है तो ये छोटा सा जो बैटल आपके सामने है आपको पहले वो क्रॉस करना है, और वो बैटल ये प्रॉब्लम्स नहीं है, बैटल बैटल ये है कि आपको उन प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करना है। जब तक आप एक डिनायल मूड में रहोगे कि
नहीं यार, सब कुछ ठीक है, ये सब तो चलता रहता है। अच्छा देखा जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, वो सब चीज़ें नहीं चलेंगी। यू नीड टू एक्नॉलेज देम, ओनली देन यू विल ट्राई टू फाइंड आउट अ वे टू करेक्ट देम एंड यू नो करेक्ट योर कोर्स। यू विल टेक करेक्टिंग मेजर्स, और वो तभी होगा जैसा कि मैं कह रहा हूँ बार बार, कि जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे। सो योर फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू बिफोर वी कम ऑन टू द अदर पॉइंट्स दैट विल हेल्प यू इन पब्लिक स्पीकिंग इज टू एक्सेप्ट द मिस्टेक्स एंड द फकअप्स दैट यू आर गोइंग टू हैव and that you are going to face when you talk in front of the people. Now let's find out the ways of how you can become better at public communication, if not perfect, because there is nothing called perfection. Us tak pahunche uske pehle I want to remind you something. I think if you recall that memory and you know channel it the right way, aapki kafi aadhi cheeze problem solve ho jayengi. Wo ye hai ki public communication or public speaking aapko na main sikha sakta hu na baki जो भी और गुरु अपने आप को कह रहे हैं वो सिखा सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग आपको ऑलरेडी आती है। अब आप पूछोगे कैसे? वो ऐसा कि भाई बचपन से आपके माँ बाप ने आपको बोला है कि घर में गेस्ट आ रहे हैं, अच्छे से कपड़े पहन लो, अपनी नाक में उंगली मत डालना, पिछवाड़े को मत खुजाना, फाट मत करना, यू नो सो फोर्थ एंड सो ऑन। दे हैव ट्राई टू टीच यू फ्रॉम योर चाइल्डहुड इटसेल्फ कि पब्लिक के सामने, स्ट्रेंजर्स के सामने, गेस्ट के सामने कैसे बिहेव करना है। तो ये जो लोग अब आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो सिर्फ फाइन ट्यूनिंग है कि लैंग्वेज थोड़ी कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। बट जो बेसिक्स ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन और पब्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योरसेल्फ है वो आपको बचपन से सिखाया जा रहा है। सो डिग योर मेमोरीज, गो बैक टू द बेसिक्स दैट योर पेरेंट्स हैव टॉट यू एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड आउट वेज टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ। हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट ऑन टू द फाइव पॉइंटर्स दैट आई हैव चार्टेड डाउन फॉर यू, विच आई थिंक अगर हम उन पर थोड़ा काम करें तो हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन और पब्लिक के ऊपर हमारा थोड़ा सा इंप्रेशन बेटर हो सकता है। पॉइंट नंबर वन, टॉक अबाउट द टॉपिक्स दैट आर ऑफ इंटरेस्ट टू यू। एंड द रीजन वाई आई से दैट टू यू इज व्हेन यू स्टार्ट पिकिंग अप टॉपिक्स दैट आर ऑफ इंटरेस्ट टू यू एंड यू हैव सर्टन नॉलेज बेस, सर्टन एक्सपर्टीज अबाउट इट, इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू हैव कंट्रोल, इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू एंगेज एंड इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू हैव that authoritative kind of body language when you are delivering the speech in front of the people. Now, अगर आपका न्यूक्लियर साइंस में कोई बैकग्राउंड नहीं है पर आप साइड करते हो कि आज तो मैं जाऊँगा और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में और न्यूक्लियर साइंस के बारे में बात करूँगा एंड यू एंड अप फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ द वाटर, दैट विल नॉट हेल्प यू। सो उन टॉपिक्स को पिक करो जहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो, जहाँ पे कुछ थाट्स ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से निकले, कुछ थाट्स ऑटोमेटिकली आपके दिल से निकले और कुछ थॉट्स आपने प्रिपेयर करके अपने साथ तैयार किया हो जो कि आप लोगों के सामने बोलोगे। सो द मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू नीड टू फॉलो व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग इज टू मेक श्योर दैट यू पिक टॉपिक्स दैट आर ऑफ इंटरेस्ट टू यू दैट इग्नाइट योर पैशन टू टॉक अबाउट दैट। पॉइंट नंबर टू, प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर। ये दो चीज़ें एक पॉइंट के अंदर मैंने कंबाइन करी है और ये दो चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट प्रिपेयरिंग फर्स्ट। प्रिपरेशन में अगर आपको लगता है कि आप एक लंबी स्पीच देने वाले हो पर आपको सारा पॉइंट्स याद नहीं रहेगा, टेक मेक अ स्मॉल शीट, उसके ऊपर बुलेट पॉइंट्स बनाओ और उसको रेफर करो जो आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाओगे। ट्रस्ट में कोई भी नहीं आएगा ऑडियंस में से एक बंदूक लेके आपके सर पे तानने के लिए कि भाई तुमने अपने चिट को कैसे रेफर कर लिया। बड़े से बड़ा स्पीकर, एंड आई मीन टू से बड़े से बड़ा स्पीकर, इवन शशि थरूर जब उसने भी अपना स्पीच दिया था लंदन में जाके अबाउट इंडिया एंड ब्रिटिश का थिंग, इवन ही वॉज रेफरिंग टू द चिट्स। So prepare your chits because that will help you in staying under control. And जैसे ही आपको लगता है कि आप एक particular pointer को ख़त्म करने वाले हो, उसके बाद pause मार के आप किसी चीज़ को देखोगे, उससे अच्छा है कि you can easily take a glance while you are speaking and you know कि अगला point आपको क्या बोलना है। Now let's come down to the practice वाला part. Practice का old age method है कि आप mirror के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करो and you can see your body language and the kind of facial expressions that you are creating while talking in front of the mirror. Let's add a little twist यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन करो कि आप जो भी पब्लिक स्पीच देने वाले हो वहाँ पे आपको कोई माइक नहीं मिलने वाला है और आपको अपने नॉर्मल वॉल्यूम से ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलने की ज़रूरत है। अब उससे होगा क्या, जब माइक के सामने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के बात करोगे आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन और ज़्यादा दिखाई देंगे। आपको ये पता चलेगा कि एट सर्टन पॉइंट और इन सर्टन इंटोनेशन अगर आपका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है, अगर अच्छा जा रहा है तो कैन यू मेंटेन इट एट अदर पॉइंट्स ऑल्सो, और अगर बुरा जा रहा है तो हाउ टू कट इट डाउन। उससे होगा ये कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए पहुंचोगे और आपको माइक मिले या ना मिले पर आपका जो वो कंफर्ट जोन है अपने नॉर्मल पिच से थोड़ा तेज बोलने का, वो आपको अंडर कंट्रोल रखेगा और वो प्रैक्टिस जो आपने की होगी अपने घर पे वो आपके काम आएगी। क्योंकि
आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज ऑलरेडी पता है कि अगर मैं इस तरीके से भी बोल रहा हूँ तो सामने वाले को मेरा क्या शब्बे शुबाब दिख रहा है, क्या मेरी शक्ल और क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है। बिकॉज ट्रस्ट मी, कॉन्टेंट मैटर्स, येस, हाउ यू स्पीक, येस, बट योर बॉडी लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू पब्लिक कम्युनिकेशन। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज खराब है और अपीलिंग नहीं है तो आधी ऑडियंस ने तो ऐसे ही ऑडिटोरियम में सो जाना है। सो प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर। पॉइंट नंबर 3, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट / ईजिंग इन टू आई कॉन्टैक्ट। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पब्लिक कम्युनिकेशन में आता है लोगों को, जो इनिशियल डेज में मुझे भी आया था जब मैंने इधर उधर बातें करनी शुरू करी थी, कि हमें हमेशा ये थॉट आते रहते हैं कि सामने जो ऑडियंस बैठी है वो हमारी मिस्टेक्स निकाल रही है, वो हमें स्टेयर कर रही है, वो हमारा मजाक उड़ा रही है और हमारे मिस्टेक्स निकाल निकाल के अपने बाजू वालों को बता रहे हैं कि यार इसने तो ये बोला, इसने ये गलत बोला, इसने वो बोला। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा होता है। और जब आप किसी एक बंदे या बंदी ऑडियंस के एक पर्टिकुलर सेक्शन के साथ बहुत ज़्यादा देर तक अगर आई टू आई हो जाती हो तो वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फीलिंग आने लगता है। उसका एक ईजी सोल्यूशन है, अगर आप किसी के साथ डायरेक्टली आईज नहीं मिलाना चाहते, माई सजेशन विल बी, अगर लेट्स से आपके 100 लोग बैठे हैं वहाँ पे, ओके, आई वॉन्ट यू टू डिवाइड दैट रूम इंटू 25 पीपल, सो 25, 25, 25, 25, सो बेसिकली देर आर 4 ग्रुप्स ऑफ 25 पीपल। नाउ इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग 1 पर्सन टू लुक एट, आई वॉन्ट यू टू लुक एट द ग्रुप नंबर ए एंड देन शिफ्ट टू ग्रुप नंबर बी, then to C, then to D, and then go to B again, then come to A, then go to B, then come to D. So basically, up instead of looking in into the eye of someone specific, you are shuffling between the group. अब उसमें होता क्या है, वो एक illusion create करता है लोगों के दिमाग में कि आप उनकी तरफ देख रहे हो, जबकि आप उनकी तरफ नहीं देख रहे होते, आप उस group की तरफ देख रहे होते हो। दूसरा, अगर आपको थोड़ा और specifically अगर किसी एक बंदे या बंदी की तरफ देखना है और आँख में आँख डाल के अपनी देखना चाहते, उनके forehead पे देखो, क्योंकि फॉरवर्ड पे देखोगे तो अगेन उसको यही लगेगा कि आप उसकी तरफ देख रहे हो। इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट आल्सो, एंड इफ समवन इज वेयरिंग ग्लासेस, आप उसके रिम्स को देखो, क्योंकि अगर आप रिम्स को इधर इधर ऊपर नीचे देखोगे, इट विल स्टिल गिव दैट पर्सन दैट फीलिंग दैट यू आर लुकिंग एट देम, एंड दैट आई कॉन्टैक्ट इज गोइंग टू गेट बेटर एंड बेटर बिकॉज दैट पर्सन नोज दैट यू आर नॉट हेजिटेंट एंड यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हु इज यू नो नॉट गोइंग टू डिविएट irrespective of the facial expressions वो सामने वाला कैसा भी दे रहा हो। सो दीज आर द वेज यू कैन मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, जहाँ पे आप ग्रुप्स भी डिवाइड कर सकते हो स्पेसिफिक 10-15 लोगों के साथ, या फिर आप उनके फोरहेड्स को देख के या ग्लासेस के लेंस को देख के या फेस में लेफ्ट राइट देख के भी उनको एक इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो कि आप आई कॉन्टैक्ट बना रहे हो, विच अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन। अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाओगे, अगर आपकी आँखें नीचे नीचे इधर उधर दौड़ रही है और सामने लोग बैठे हैं, अब आपको कैसा लग रहा है कि मैं नीचे देख के बात कर रहा हूँ एंड यू नो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा हूँ। आई एम श्योर अगर मैंने ये पूरी वीडियो ऐसे बनाई होती तो आप कहते हैं कि यार ये कौन चूतिया सामने बैठा है, आँख में आँख डाल के बात भी नहीं कर रहा है। सो यू नीड टू लुक इन टू द आईज ऑफ द पीपल, एंड इफ यू कैनॉट डू दैट इनिशियली, एटलीस्ट गिव दम द इम्प्रेशन दैट यू आर लुकिंग इन टू देयर आईज। पॉइंट नंबर 4, नो योर ऑडियंस। नोइंग द डेमोग्राफिक ऑफ योर ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। I mean, you cannot even try or, you know, you will not be able to succeed to connect to them in case you don't know किस तरीके का audience आपके सामने आने वाला है। पता चला आप तैयार करके गए थे content according to maybe students who are in 10th class और वहाँ पे आगे 65 साल के senior citizens। आप तैयार करके गए थे content जिनको interest है sci-fi के अंदर और वहाँ पे लोग बैठे हैं जिनको interest है mythology के बारे में। So, before you go to deliver your speech, talk to the organizers, what kind of content they are expecting, what kind of audience they are expecting. उस audience के हिसाब से आपको अपना content तैयार करना है. Even your punchlines, even your jokes that you are going to include in your speech are, they should be according to the audience that is sitting over there. जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर audience कुछ और है और आपका content कुछ और है, trust me, वो engagement part कभी भी नहीं आएगा. और अगर एंगेजमेंट पार्ट नहीं आएगा, यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय योर स्पीच, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो बेचारे सामने मजबूर की तरह बैठे होंगे क्योंकि उनको तो फोर्सफुली वहाँ पर बैठाया गया आपसे चीज़ें सुनने के लिए, ना वो कुछ सीखेंगे ना आप अपने स्पीच को एंजॉय कर पाओगे क्योंकि वो आपको सामने विजिबल होगा कि वो एंजॉय नहीं कर पा रहे। सो बिफोर यू गो टू योर पब्लिक स्पीच, फाइंड आउट द ऑडियंस, मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग योर कॉन्टेंट अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस दैट इज गोइंग टू विजिट यू, एंड दैट वेज यू कैन क्रिएट मोर एंगेजमेंट विद देम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी रेडी टू कमिट मिस्टेक्स। कई बार आजकल के लाइफ स्टाइल में बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट वी लिव इन, वी फॉरगेट दैट वी आर ह्यूमंस, वी आर सपोज टू मेक मिस्टेक्स, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, क्योंकि
मिस्टेक्स एक बार ही होंगी, 10 बार ही होंगी, 20 बार ही होंगी, 50 बार ही होंगी। वॉट मैटर्स इज कि आप उस मिस्टेक से कुछ लर्निंग कर्व लेके जा रहे हो या नहीं। अगर आप उससे कुछ सीख रहे हो और अगर आप उस मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हो, एवरीथिंग इज़ फाइन। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि एक्सेप्टिंग योर फेलियर्स, विजुअलाइजिंग योर फेलियर्स, एक्सपीरियंसिंग योर फेलियर्स एंड देन मूविंग ऑन फ्रॉम देम एंड लर्निंग फ्रॉम देम एंड यू नो अवॉइडिंग देम इन द फ्यूचर इज वॉट यू आर सपोज टू डू। जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि यार मैं तो एक ह्यूमन हूँ, मेरे से मिस्टेक्स होंगी, आई एम नॉट परफेक्ट एंड आई एम गोइंग टू मेक कमिट मिस्टेक्स टाइम एंड अगेन, आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। सो डोंट सल्क, डोंट फील एम्बेरस्ड एंड डोंट फील ओवरली सैड अबाउट इट कि अरे यार आज तो मैंने यहाँ पर ये मिस्टेक कर दी एंड दे आर नॉट गोइंग टू कॉल मी अगेन। मे बी दे वोंट कॉल यू अगेन, बट देन अगेन समवन एल्स विल, एंड इफ समवन एल्स वोंट, समवन एल्स विल, लाइफ विल मूव ऑन एंड यू नो यू विल कीप गेटिंग बेटर। सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स बिकॉज आई थिंक मिस्टेक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला साइकिल। वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपको एक यहाँ वाले लेवल से यहाँ पर लेके जाने के लिए। ऑब्वियसली और भी काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं पब्लिक कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीचेस के बारे में, जिसके बारे में और वीडियोज़ बनाऊँगा अगर आप चाहें तो। सो लीव योर कॉमेंट्स, अगर वीडियो में मैंने मिस्टेक करी है तो फॉरगिव कर देना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी मिस्टेक्स है अगले वीडियो में आई ट्राई टू मेक श्योर कि वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो, एंड देट इज़ हाउ आई एम गोइंग टू लर्न फॉर दिस पब्लिक कम्युनिकेशन थिंग दैट आई एम हैविंग विथ यू। मेरा नाम है सरुद्रा, यू आर वॉचिंग स्टाइल रग। छोटी सी रिक्वेस्ट है, जाने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो मोटिवेशन भी नहीं मिलती है थोड़ा काम करने की। सो कीप लविंग एंड स्टे सेफ। जय हिंद।